आज मसाला किचन में बन रही है बढ़िया सी सुपर सॉफ्ट गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी कौन नहीं बनाता। बारिश शुरू हो जाती है, सब्जियां कम मिलती है, हम ऐसी कोई सब्जियां चुनते हैं जैसे वड़ी की, गट्टे की। लेकिन गट्टा सॉफ्ट बने, खास बात है ये। इस सब्जी को चाहे तो आप प्याज के साथ बनाइए या बिना प्याज के, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे घरों में प्याज नहीं खाया जाता। तो चलिए देखते हैं इस गट्टे की सब्जी के लिए हमें चाहिए क्या। सबसे पहला हमें एक मसाला बनाना होगा। इसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सूखा साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून चाहिए मुझे अजवाइन। आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है या नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं। अब इन मसालों को हम हल्का सा सेक लेते हैं। सेकने से इन मसालों में और ज़्यादा खुशबू आएगी। इन मसालों को मैंने सेक लिया है हल्का सा, इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसे मैं खलबत्ते में थोड़ा दरदरा कूट लेती हूँ। खलबत्ता नहीं है तो मिक्सी में ही आप कर सकते हो, पल्स पे करिए, बस थोड़ा दरदरा रखिए। गट्टे की कुछ तैयारी करनी है। कैसे ये लोग हलवाई लोग बहुत ही बढ़िया गट्टे की सब्जी बनाते हैं, कई बार हमने ढाबों में भी खाई है। कुछ स्पेशल तो ये लोग करते हैं, तो आज वही स्पेशल हम बनाने वाले हैं गट्टे। मसाला तो हमारा बनकर तैयार हो गया। 1 चम्मच ले रही हूँ मैं सरसों का तेल, इतना लगेगा नहीं लेकिन मैंने कढ़ाई में डाला है। यहाँ मैंने 10-12 कली लहसुन की डाली है। लहसुन प्याज वाला खाना चाहें तो इस तरीके से बनाएं, अगर नहीं तो आप टमाटर में भी ग्रेवी बना सकते हैं। अब लहसुन को आप इस ऑयल में सेक लीजिए। इसमें 3-4 सूखी साबुत लाल मिर्च डाल दीजिए। अगर साबुत लाल मिर्च नहीं है तो हम बाद में इसमें थोड़ा लाल मिर्च मिक्स कर सकते हैं। इन्हें मैंने सेक लिया है, इसे भी मैं कूट के इसकी चटनी बना लेती हूँ और कढ़ाई में इसी ऑयल को रहने देते हैं। ये जो ताजी चटनी होगी ना, इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होगा। लीजिए, ये भी मैंने बना ली, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब एक और तैयारी कर लेते हैं। आप अगर दही खाते हैं तो इसमें जरूर डालिए। मैंने 3-4 चम्मच दही ले लिया है। इससे ग्रेवी टेस्टी तो बनेगी, गाढ़ी भी बहुत बनेगी। अब इसमें डाल दी मैंने कसूरी मेथी। 1 चम्मच डाल रही हूँ भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो ज़्यादा तीखा नहीं होता। बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। इन सब को मिक्स करके मैं अलग रख देती हूँ। ये तैयारी हो गई हमारी गट्टे की सब्जी के लिए। आज कुछ 3-4 ट्रिक्स हैं इस गट्टे को बनाने के लिए, वो आप फॉलो करेंगे ना आपके भी बहुत ही बढ़िया गट्टे बनेंगे। यहाँ मैंने लिए 2 कप बेसन, काफ़ी सारे बनने वाले हैं इसमें से। 1 चम्मच मैं वो मसाला डाल रही हूँ कुटा हुआ, बाकी का मसाला हम सब्जी में यूज़ करेंगे। यहाँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, वो भी 1/2 चम्मच। अगर लाल मिर्च कश्मीरी डालेंगे तो कलर लाल हो जाएगा गट्टों का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर कलर के लिए, और 1/4 टीस्पून समझें या 2 पिंच बस मीठा सोडा। अब आप शुद्ध घी में पसंद करें तो इसमें शुद्ध घी डाल दीजिए 1 टेबलस्पून, या फिर 3 टीस्पून डाल दीजिए आप सरसों का तेल। आज मैं इसमें सरसों का तेल ही डाल रही हूँ। बेसन के साथ जब सरसों का तेल मिलता है ना तो इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच दही। बस ये 3-4 चीज़ें मैंने डाली हैं ना, एक तो सोडा, ऑयल और दही, इन सब से ये जो गट्टे इतने सॉफ्ट बनने वाले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा, 1/4 कप के आसपास। इसे सॉफ्ट गूंथ लीजिए। ये जितना सॉफ्ट होगा उतने ही गट्टे आपके सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर दीजिए और इसे ढक के रख दीजिए 10 मिनट के लिए। ये देखिए, यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये सॉफ्ट कितना है। अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं इसके अंदर तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसे मैं ढक के एक तरफ रख देती हूँ। अब सॉफ्ट गट्टे बने और मुंह में जाते ही घुल जाएं तो खास बात है ये। गट्टे का आटा हमें सॉफ्ट गूंथना है, उसमें सोडा और ऑयल डालना बिल्कुल ना भूलें, लेकिन इससे ज़्यादा ना डालें। ज़्यादा डालेंगे ना तो वो कई बार टूट जाते हैं। जब गट्टे को हम उबाल रहे हैं, पानी जब तक उबले नहीं आप गट्टा पहले मत डालिए, और गट्टा खुले बर्तन में उबालिए, और चाहे तो आप फ्राई करें चाहे तो बिना फ्राई के ही बनाएं। अब मैं
आगे ये बताती हूँ कि इस ग्रेवी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे यहाँ पर 3 टमाटर चाहिए जो मैंने चॉपर से चॉप कर लिए हैं, थोड़ा अदरक और हरी मिर्च लिया है, 2 बड़े प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने सबसे पहला काम किया है जो कि मैंने आपको बताया था, बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बड़ा सा खुला सा बर्तन ले लीजिए जिसमें हम इतने सारे गट्टों को उबालेंगे। अब गट्टे को चेक कर लेते हैं, अगर ज़रूरत लगती है तो कुछ पानी के छींटे में और लगाऊंगी जिससे ये डो मुझे काफ़ी सॉफ्ट आए। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी गट्टे का आटा कितना सॉफ्ट है, ये देखिए मैं जैसे तोड़ रही हूँ ना, आप उसी से ही समझ जाएंगे ये बहुत सॉफ्ट है। और आगे भी मैं एक दो बार आपको दिखाऊंगी कि गट्टा कैसे उबल के सॉफ्ट है और तलने के बाद भी कैसा सॉफ्ट है। गट्टे तो बहुत बना लेते हैं लेकिन सॉफ्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। हम इतनी सारी मेहनत करें और गट्टे टाइट बने तो मज़ा नहीं आता। अब इसे पतला पतला रोल कर लीजिए क्योंकि उबलने से भी ये काफ़ी फूलता है। इसी तरीके से मैं सारे रोल बना लेती हूँ। बहुत बड़े रोल भी बना सकते हैं, फिर कट कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे ही बना लीजिए। मैंने इन्हें मीडियम रखा है। अब इस उबलते पानी में, ऐसे सिर्फ ठंडे पानी में नहीं, उबलते पानी में डालेंगे तो कभी नहीं टूटेंगे। डालते ही आप देखेंगे इन गट्टों का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़े से फूल जाएंगे और ऊपर तैरने लगेंगे। सारे के सारे इसी के अंदर डाल दीजिए। ये देखिए सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपने देखा कैसे ऊपर तैरने लग गए। अब इसमें कोई रिस्क नहीं है टूटने की। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकाइए। चाहे तो कवर नहीं भी कीजिए लेकिन कवर करेंगे तो और सॉफ्ट बनेंगे। बीच में चेक कर सकते हैं, कोई रोल टूटा नहीं है और बहुत अच्छे से उबल चुके हैं। अब भले ही टूटे तो अलग बात है लेकिन उबलते टाइम नहीं टूटना चाहिए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं, कहीं कहीं क्रैक्स भी आ गए हैं। अब इसे 2 मिनट ठंडा होने देते हैं। और हाँ, इस गट्टे को आप बिना फ्राई के भी बनाएंगे तो स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा, ये आपकी च्वाइस है। यहाँ मैं बता रही हूँ ये गट्टा सॉफ्ट कितना है। मैं थोड़े से गट्टे को इस तरीके से क्रश करके उस दही में मिलाऊंगी जिससे क्या होगा, वो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी बनेगी और ग्रेवी इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आपको बेहद पसंद आएगी। इस दही वाले मिश्रण में इस एक रोल के जो मैंने गट्टे को क्रश कर दिया वो इसमें मिला लीजिए। अब चाहे आप बिना प्याज की भी ये सब्जी बनाएंगे ना तब भी ये काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अब बाकी के गट्टों को हम इस तरीके से कट करते हैं और एक साइड हम रख रहे हैं कढ़ाई इसे फ्राई करने के लिए। कई घरों में इसे हल्का बेक करके भी ग्रेवी में बना लेते हैं। अब इस ऑयल में मैं डाल रही हूँ। ऑयल जो है गरम है लेकिन इसे बार बार नहीं चलाना है, कुछ 1 मिनट के बाद ही आप इसे चलाएं और बहुत ज़्यादा डार्क कलर के नहीं फ्राई करना है। लीजिए मैं इन्हें सबको निकाल लेती हूँ। इसी पैन में मैं और भी फ्राई कर लेती हूँ। लीजिए सारे मैंने गट्टों को फ्राई कर लिया है। अब चाहें तो जितने आपको ग्रेवी में बनाने हैं बाकी के आप रख सकते हैं इसे फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में, एक बॉक्स में बनाकर रख दीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और सॉफ्ट देखिए आप, इसके अंदर जो क्रैक्स आए हैं ना उसकी वजह से ये रसीले भी बनेंगे, मतलब जो हम ग्रेवी बनाएंगे ना उस रस को ही अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। तो देखा ना आपने, गट्टे को मैंने तोड़ के दिखाया, उबलने के बाद भी फ्राई करने के बाद भी बहुत सुपर सॉफ्ट। अब चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने। थोड़ा सा मैंने ले लिया ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और जो कुटा मसाला था ना हमारे पास दरदरा वो मैंने डाल दिया है। अब इसमें 1 पिंच डाल रही हूँ मैं हींग। हींग आप गट्टे के बेसन में भी डाल सकते थे पर मैंने वहाँ नहीं डाला, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। अब डाल रही हूँ प्याज। इस प्याज को हम पकाएंगे। यहाँ देखिए प्याज अच्छे से पिंक हो गया है, बहुत ज़्यादा पिंक नहीं करना है, थोड़ा ही पकाना है। अब डाल देते हैं टमाटर। आप टमाटर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब डाल देते हैं पूरी सब्जी के अकॉर्डिंग नमक। नमक के साथ टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं। अब मैं इसे चेक कर रही हूँ खोल के, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा और पकाएंगे। तो सब्जी का पूरा पानी सूख चुका है। अब जो हमने दही के साथ, एक मसालों के साथ, गट्टों के साथ एक पेस्ट बना के रखी है ना वो मैं डाल देती हूँ। अब इस कटोरी में भी वही पानी यूज़ कीजिए जो गट्टे वाला पानी था।
वही सब्जी में पूरा यूज़ होता है। ये मैंने कटोरी से भी साफ करके पूरा उसी ग्रेवी में डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तब जब हम ये गट्टे वाला पानी डालते हैं। अब ये सारे मसालों को अच्छे से पकने दीजिए। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है बनाने में। अब इसे पकने देते हैं। अब आप चाहें तो इसे एक बार मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन ग्रेवी अगर आपको चाहिए। लेकिन कई घरों में छोटा छोटा प्याज टमाटर मुंह में आए अच्छा लगता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ, अभी तो मैं इसे पका रही हूँ। अब ये जो ग्रेवी वाला पानी था ना, गट्टे वाला, वो डाल देती हूँ। इसमें उबाला आना शुरू हो गया है, ऑयल भी इसने ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन मेरे घर में क्या होता है, ये थोड़ा सा प्याज टमाटर जो है ना मुंह में आए ऐसा कम पसंद आता है, तो मैं इसे इस तरीके से हैंडी से इसे प्लेन कर रही हूँ। आप अगर चाहें मिक्सी से हैंडी से आप भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ा थोड़ा मुंह में पसंद आए प्याज टमाटर तो आप इसे रहने दीजिए। मैंने इसे थोड़ा सा पीस लिया है। इससे क्या होगा, ग्रेवी गाढ़ी भी लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। थोड़ा पानी मैं एक्स्ट्रा और भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये गट्टे हैं ना पानी काफ़ी अच्छे से पीते हैं। अब यहाँ डाल रही हूँ वही पेस्ट, वही लहसुन की चटनी जो हमने पहले पहले पीस के रखी थी। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इस ग्रेवी को ढककर स्लो गैस पर तब तक हम पकाएंगे जब ये अच्छे से पक जाएगी। अब इसमें उबाला आना शुरू हो गया है, अब हम डाल देते हैं गट्टे। मैं तो आज पूरे ही गट्टे बना रही हूँ, सभी के लिए बना रही हूँ। बस 2 या 3 मिनट के लिए ढककर आप इसे पकाइए। लीजिए, पूरा ऑयल ऊपर आ गया है, गट्टे की जो सब्जी है उसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। पर याद रहे, ये अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लंबा टाइम रखना है तो इसकी ग्रेवी थोड़ी और लूज रखें। ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। बस इसे गर्मा गर्म सिंपल रोटी के साथ सर्व कीजिए, तब भी बड़ी पसंद आएगी। तंदूरी रोटी के साथ तो मज़े ही आ जाएंगे। वैसे आप इसे किसके साथ खाना पसंद करेंगे, इतनी मेहनत वाली सब्जी के साथ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में भैया कोई कंजूसी ना करें।